हर्निया जिन लोगों में होता है क्या सिम्टम्स हो सकता है या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है हम डिस्कस करेंगे। पहले सिम्टम्स की बात करेंगे, हर्निया है या नहीं कैसे मालूम पड़ेगा। एक ही चीज़ देखना है कि नाभिक जहाँ पे भी हर्निया है बोल के डाउट है वहाँ पे मोस्टली कासी करते समय या ज़्यादा वजन उठते समय हल्का सा स्वेलिंग या बल्ज जैसे दिख सकता है, वो एक सिम्टम है। एंड दूसरा सिम्टम ये हो सकता है कि वो गैप के थ्रू इंटेस्टाइन बाहर खिसक रहा है बोल के वहाँ पे थोड़ा सा खिसक रहा है बोल के थोड़ा सा ड्रैगिंग पेन सेंसेशन भी कासी करते समय या वजन उठाते समय या दिन भर कड़ा होके काम करने के बाद इवनिंग टाइम्स में ये महसूस हो सकता है। ये सिम्टम्स के अलावा अगर हर्निया है तो सर्जरी क्यों कराना है, ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है हम डिस्कस करेंगे। हम हर्निया मतलब क्या बोला गया है, हर्निया मतलब क्या है, मस्से के अंदर थोड़ा सा गैप है, उस गैप से इंटेस्टाइन बाहर आ रहा है। तो अब इनिशियल स्टेज ऑफ हर्निया में क्या होता है, इनिशियल स्टेज में जब डिफेक्ट थोड़ा सा कम है इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है, फिर ऊपर से दब गया तो फिर इंटेस्टाइन वो अंदर चला जाता है, फिर ये फ्लैट होते रहते हैं। अगर बाहर से दबाया तो इंटेस्टाइन अंदर चला गया तो उसको रिड्यूसेबल हर्निया कह जाता है। अगर वही हर्निया बहुत महीनों से या बहुत साल तक ऐसे ही छोड़ा गया तो क्या होता है, ये गैप के थ्रू इंटेस्टाइन बाहर आके यहाँ पे जो स्किन कवरिंग है वो स्किन से जुड़ने की वजह से हम ऊपर से दबाया तो भी वो बाहर नहीं जाता है, क्योंकि स्किन और इंटेस्टाइन के बीच में थोड़ा सा फेविकॉल बॉन्डिंग बन जाता है। ऐसे कंडीशंस में ऊपर से दबाने के बावजूद भी वो स्वेलिंग ऐसे ही रह जाता है, वो गार्ड का साइज कम नहीं पड़ता है। ऐसे कंडीशंस को हम इरेड्यूसेबल हर्निया कह जाता है। अगर पेशेंट रिड्यूसेबल हर्निया या इरेड्यूसेबल हर्निया मतलब शुरुआत में ही आ गया तो उस पेशेंट को हम लैप्रोस्कोपी मतलब की होल दौरान ऑपरेशन करके एक ही दिन में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर वही पेशेंट एडवांस्ड स्टेज में आ गया, एडवांस स्टेज मतलब अगर स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया बोल के उस स्टेज में आ गया तो जान की भी खतरा होने की चांसेस है। क्यों, स्ट्रैंगुलेशन मतलब क्या है, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में होता है क्या हम डिस्कस करेंगे। अचानक से इंटेस्टाइन खींचने की वजह से सडनली अगर यहाँ पे टाइट होके ब्लड सप्लाई कट हो गया तो उसी को हम स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कह सकता है। एक बार स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया हो गया मतलब या ब्लड सप्लाई अचानक से कट हो गया तो क्या होगा, इस इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई बंद होके ये धीरे 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 मरना शुरू करेगा। एक बार इंटेस्टाइन डेथ हो गया तो क्या होगा, इंटेस्टाइन एक पाइप जैसा होता है, पाइप पंक्चर होके पाइप के अंदर जो है वो बाहर फैलना शुरू करेगा। पाइप के अंदर क्या पड़ा होता है, हम अनडाइजेस्टेड फूड विथ बैक्टीरिया हो जाता है, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड एंड बैक्टीरिया काइंड ऑफ जहर जैसा है वो बॉडी में फैलना शुरू करेगा। ऐसे कंडीशंस में हम जितना जल्दी सर्जरी किया तो उतना बेटर होगा, क्योंकि हम जितना धीरे धीरे लेट डिले किया तो उतना जल्दी वो पॉइजन पूरा बॉडी में फैल के जान की खतरा भी होने की चांसेस है। ये सब ना होने के लिए हम हर्निया को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सर्जरी करने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट बात आते हैं, हर्निया की सर्जरी कितना जल्दी कराना है। इसके लिए सिंपल जवाब है, स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम। मतलब क्या है, अगर शर्ट के ऊपर छोटा सा छेद बन गया तो उसी समय टेलर के पास गया तो वो सिर्फ एक टाका लगा के इमिडिएटली तुरंत भेज देंगे ताकि पता भी नहीं चला कि टाका लगेगा। अगर वही हम बहुत दिन के लिए डिले कर दिया तो वो छोटा सा छेद बड़ा होके एक टांके की जगह में उसको 10 टांके या 15 टांके की ज़रूरत पड़ सकते है। वही सर्जरी से कंपेयर किया गया तो एनेस्थीसिया टाइम बढ़ जाता है, सर्जरी टाइम बढ़ जाता है। हम बाहर कुछ टांके नहीं लगाते हैं बट अंदर मांसपेशिया के अंदर जो छेद है उसको बंद करने के लिए अंदर टांके लगा जाता है। अगर डिफेक्ट के ऊपर जो हर्निया के साइज़ के हिसाब से एक टांके की ज़रूरत पड़ सकते हैं या 10 टांके की ज़रूरत पड़ सकते हैं, वो हर्निया साइज़ के ऊपर है। और जो हर्निया सर्जरी में जो मेश डाला जाता है, अगर हर्निया का साइज़ छोटा है तो छोटी मेश से ही सर्जरी पूरा हो जाएगा। अगर हर्निया का साइज़ बहुत ज़्यादा है तो बहुत बड़ा मेश की ज़रूरत पड़ेगी, वो कॉस्ट ऑफ हर्निया सर्जरी भी
उसके हिसाब से होते रहते हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हो गया तो उतना जल्दी सर्जरी हर्निया के लिए करवाना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात आते हैं कि हर्निया की सर्जरी में क्या करता है। हर्निया की सर्जरी में जैसे हमने डिस्कस किया है, मांसपेशिया के अंदर जो गैप है उससे इंटेस्टाइन बाहर जा रहा है, तो पहले क्या करता है, जो इंटेस्टाइन बाहर आ रहा है उसको फिर दोबारा पेट में डाल के जो हर्निया के अंदर जो गैप है उसको क्लोज करके, सिर्फ क्लोज करके नहीं छोड़ते हैं हम, फिर दोबारा मेश जैसे एक फॉरेन बॉडी, एक जाली जैसे लगाते हैं हर्निया दोबारा ना होने के लिए। हर्निया में मेश क्यों लगाना है, ऐसे ही छोड़ सकते हैं ना जोड़ के बोल के बहुत लोग पूछते रहते हैं। मेश क्यों लगाना है हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए अभी मैं 80 किलो का वेट का हूँ, अभी मेरे लिए ये शर्ट अच्छी तरह फिट हो रहा है, थोड़ा सा लूज है और कंफर्टेबल भी है। अगर मैं 2 साल के बाद 80 किलोस जब मैं हूँ, अभी 120 किलोस हो गया, तो उस समय हम ये शर्ट पहनने के लिए अगर कोशिश किया तो क्या होगा, ये शर्ट बहुत टाइट होता है। क्यों, मैं वजन बढ़ने की वजह से। उससे क्या होगा, अगर ज़्यादा स्ट्रेच किया गया तो जो बटन्स है वो फटने की चांसेस है, ताकि कपड़े टेयर होने के भी चांसेस है। तो उस समय हम जाके टेलर से नहीं पूछ सकते हैं कि क्या कपड़े सुलाया, ये अच्छा नहीं सुलाया बोल के, क्योंकि टेलर के हिसाब से 80 किलोस के लिए ये शर्ट सही था, बट मैं 120 किलोस होने की वजह से ये शर्ट मेरे को टाइट होके और बटन्स टूट रहा है। सेम अगर हर्निया सर्जरी में देखा गया तो हम सिर्फ टांके लगा के मांसपेशिया के अंदर जो छेद था उसको बंद करने के लिए सिर्फ टांके लगा के छोड़ा गया, तो कभी वजन बढ़ गया है या बहुत जोर लगाया है तो वो टांके अपने आप खुलने की चांसेस है, उससे क्या होगा, दोबारा हर्निया होने की चांसेस होता है। इसलिए 100% अगर दोबारा हर्निया ना होना है तो उसके लिए 100% जाली जगह की ज़रूरत है। जाली से क्या होगा, एक एडिशनल प्रोटेक्शन, उसके लिए एडिशनल प्रोटेक्शन होने की वजह से दोबारा हर्निया का होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है ये जाली लगाने से। नेक्स्ट बात आता है कि सर्जरी में कितने टाइप से ओपन सर्जरी बेहतर है या लैप्रोस्कोपी सर्जरी बेहतर है। पहले हम बात करेंगे कि ओपन सर्जरी के बारे में। ओपन सर्जरी में क्या करता है, साइट ऑफ हर्निया मतलब जहाँ पे हर्निया है वहाँ पे 5 से 10 सेंटीमीटर का चीरा लगा के, जो टिश्यू से उसको स्प्रेड करके, जो मांसपेशिया के अंदर जो छेद था उसको बंद करके, ऊपर से जाली लगा के, फिर बंद करके टाके से बंद करेंगे। सर्जरी लंबा इंसिशन होने की वजह से, चीरा बड़ा होने की वजह से दर्द भी उसके हिसाब से होगा, 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी ये वुंड, ये जो चाह पे चीरा लगाया वो इन्फेक्शन ना होने के लिए ड्रेसिंग करने की ज़रूरत पड़ेगा। जब गाँव अच्छी तरह भर गया है, जो टांके लग गया है उसको निकालने की, फिर दोबारा हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़ सकते हैं, ये ओपन सर्जरी में। एंड अल्टीमेटली देखा गया तो बड़ा चीरा तो लगी रहे तो स्कार भी रहेगा उसके हिसाब से, चीरा के हिसाब से। ये अगर लैप्रोस्कोपी सर्जरी में देखा गया तो, लैप्रोस्कोपी सर्जरी मतलब क्या है, की होल सर्जरी या दूरबीन का सर्जरी। इसमें क्या करते हैं कि बड़ा चीरा नहीं लगाते हैं, 3 छेद बनाते हैं, 3 छेद में 1 छेद होता है 1 सेंटीमीटर का, बाकी 2 छेद होता है 0.5 सेंटीमीटर का। ये 3 छेद से ही पूरा सर्जरी कदम हो जाएगा। कैसे कदम हो जाएगा, बिना चीरा लगा के। इस छेद के अंदर हम एक कैमरा डाल देंगे और इस कैमरा को हम टीवी मॉनिटर के लिए कनेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, जो भी अंदर हो रहा है वो कैमरा से हम टीवी मॉनिटर में ही देख सकता है, ताकि बड़ा चीरा बिना लगा के हम जो अंदर हो रहा है वो पूरा मालूम पड़ रहा है। तो बाकी 2 छेद जो 0.5 सेंटीमीटर का छेद बनाया है उससे पूरा सर्जरी कंप्लीट हो जाता है, और सर्जरी के बाद बाहर कोई टांके नहीं रहता है, और हम वो बिना टांके स्किन ग्लू बोल के यूज़ करते हैं, ताकि टांके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उससे क्या हो रहा है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद उसी दिन पेशेंट चल पा रहा है, उसी दिन हम खाना भी खिला पा रहे हैं, और अगले दिन डिस्चार्ज होके नहा भी सकते हैं, क्योंकि चीरा बहुत ही छोटा है, और उसके ऊपर हम वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगाएंगे, ताकि अगले दिन ही घर जाके नहा भी सकते हैं। एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी करने के बाद कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, और
डिस्चार्ज होने के बाद कोई ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं, टांके निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या फ़ायदा हो रहा है, कॉस्मेटिकली देखा गया तो 0.5 टू 1 सेंटीमीटर का ही छेद से पूरा सर्जरी हो रहा है, तो उससे क्या है, चीरा दिखेगा भी नहीं ही है और ऐसे लगता है कि सर्जरी हुआ या नहीं हुआ। एंड रिटर्न टू एक्टिविटी, बड़ा छेद नहीं बनाया है या बड़ा चीरा नहीं लगाया, तो उससे जॉब फिर दोबारा ज्वाइन होने के लिए या रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी के लिए ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। एक दो दिन में ही वो अगर अच्छी तरह सेट हो गया तो बाहर घूम के नॉर्मल एक्टिविटीज़ पूरा रिज्यूम कर सकते हैं।